देखिए दोस्तों, जो आप कह रहे थे प्लांट देख रहे हैं, ये सिंगोनियम का प्लांट है और ये एक जो है ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसमें कई सारी डिफरेंट वैरायटीज जो है आपको नर्सरी में देखने को मिल जाती है और इन सब की जो केयर है वो सेम है। तो आज जो है मैं इसी प्लांट की केयर के बारे में आपको बताऊंगा कि इस प्लांट की आपको केयर कैसे ग्रे करनी है और कैसे इसकी जो है कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट है आप कैसे इसको घना बना सकते हैं, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट को जो है आपको नर्सरी में इजली से अवेलेबल मिल जाता है। ये प्लांट जो है काफ़ी चीप रेट में मिल जाता है, ये प्लांट ज़्यादा महंगा नहीं होता, ये आपको 30 से 40 50 रुपीज़ की रेंज में आसानी से मिल जाता है। और ये जो प्लांट है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आपके आसपास से कोई प्लांट है तो आप इस प्लांट की जो है कटिंग बड़े इजली से ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो कटिंग है, जैसे आप मनी प्लांट की कटिंग ग्रो करते हैं वैसे इस प्लांट की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। इस प्लांट में देखिए इस प्रकार से जो है बहुत प्यारी ही एरियल रूट्स निकलती हैं जिनको आप उसको नोड एरिया से कट करके जो है अगर आप इसे पानी में ग्रो करते हैं तो पानी में भी इजली से ग्रो हो जाता है। उसके लिए आपको जो है मनी प्लांट की तरह जो है हफ्ते 10 दिन में जो है पानी चेंज करते रहना पड़ेगा। अगर आप इसकी जो है कटिंग करके इस तरह से जो है अगर मिट्टी में भी आप दबा देते हैं तो मिट्टी में जो ये प्लांट है बड़े इजली से ग्रो हो जाता है। और अब देखिए बात करते हैं कि इस प्लांट को आपको प्लेस कहाँ पे करना है। तो इस प्लांट को प्लेस करने के लिए देखिए आप जो है इसे इंडोर में भी प्लेस कर सकते हैं और आउटडोर में भी। अगर आप इसे आउटडोर में प्लेस करते हैं तो आप इसको ऐसी जगह पे रखिए या सेमी शेड एरिया में रखें जहाँ इसको मॉर्निंग की 1 घंटे की सनलाइट मिले, तो वहाँ पे जो प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप इस प्लांट को इंडोर में ग्रो करते हैं देखिए तो इंडोर में भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको अच्छे सनलाइट वगैरह ये जो हवा का चांस नहीं मिलेगा। तो जो प्लांट है तो आप देख सकते हैं इसमें जो इस तरह से जो है मनी प्लांट की तरह आप इसकी जो ये प्लांट जो है लंबा और लगी टाइप का हो जाता है और इसी तरह से देखिए ये जो है एक बेल की तरह ग्रोथ लेने लगता है। तो आप इसे देखिए मॉस स्टिक लगा के भी को मनी प्लांट की तरह ग्रो कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इसके आउटडोर में ही आप इसे अच्छा कीजिए ताकि इस प्लांट को देख सकते हैं कितनी इसकी जो ग्रीनरी नज़र आपको आ रही है, तो ये उसी का रीज़न है। अगर आप इसे इंडोर में रखेंगे तो जो प्लांट है की टाइप का हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है इसी तरह से नीचे आप देखेंगे तो इसकी रूट्स के पास से इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं, तो आप चाहो तो उनको भी डिवाइड करके इसके नए प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं। और नहीं तो देखिए इसको आप अगर इसकी जो एरियल रूट्स है अगर कट करके जो अगर आप इसको मिट्टी में दबा देते हैं तो जो प्लांट है वो भी अच्छे से सर्वाइव करता है और इसके नए बेबी प्लांट्स भी जर्मिनेट हो जाते हैं। और देखिए इसको घना बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं इसकी जितनी भी साइड से इसकी जो लीव्स है वो निकल रही है तो आपको वो कट कर देनी है। और कट करने बाद जो है आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं एज ए लीव कंपोस्ट में, उसको आप उसकी खाद भी बना सकते हैं या फिर जो है आप उसकी मल्चिंग वगैरह के लिए भी उनको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसमें से अगर आप जब कटिंग करते हैं तो इस तरह से आपको ड्राई लीव्स भी मिलेंगी, तो आपको वो भी रिमूव कर देनी है। तो ये प्लांट आपको देखिए एक थोड़ा अच्छी सी शेप ले लेगा और देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। अब देखिए बात करते हैं इसकी फर्टिलाइजर की, तो प्लांट को इस प्लांट को जो है बहुत अधिक फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप जो है ऐसे महीने में या फिर 2 महीने में जो है वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और केमिकल में इस प्लांट को भी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं रहती। ये जो प्लांट है सिर्फ ग्रीनरी के लिए ही यूज होता है, तो आप इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए। और साथ में देखिए पत्तियों में चमक पाने के लिए आप इसमें देखिए इस प्रकार से एनपीके 1919 का भी स्प्रे ले सकते हैं। और जब आप किसी प्लांट पर स्प्रे लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो शाम के समय ही आप उस प्लांट पे स्प्रे लीजिए। अगर आप एनपीके 1919 का स्प्रे करते हैं तो देखिए 2 ग्राम पर लीटर में आप मिक्स करके इस पे जो है स्प्रे ले सकते हैं। आप इस पे जो है अधिक फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आप इस पे कमी जो है इस पे स्प्रे लीजिए। और देखिए इसकी और पत्तियों में जो है गहरा रंग पाने के लिए आप इसमें जो है मैग्नीशियम सल्फेट का भी स्प्रे ले सकते हैं और इसकी स्वर में भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए अब बात करते हैं इसमें जो है आपके इसकी सॉइल रेडी करने के लिए, सॉइल में जो है आप इसको वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए आपको जो है इसमें 60% जो है गार्डन सॉइल और जो है इसमें 30% जो है आपको सैंड मिला लेना है और 10% में जो है आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीमी खली मिला के आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। इसको मिट्टी वेल ड्रेन बहुत पसंद है, आप इसमें जो है ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये प्लांट जो आपका इसकी जो रूट्स हैं वो गल जाती हैं और आपका प्लांट खराब हो जाता है और ये जो प्लांट है थोड़ा लैगी टाइप का हो जाता है। तो इसमें जो है आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल ही नहीं करनी है। अब बात आती है देखिए पॉट रिक्वायरमेंट की, तो पॉट रिक्वायरमेंट में आपको इस प्लांट को देखिए
स्टार्टिंग में चीज होता है, आप इस तरह से प्लास्टिक पॉट में या फिर किसी तरह के पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो 10 से 12 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप इस प्लांट को बहुत ही अच्छे से बड़ा और घना बनाना चाहते हैं तो उसको बाद में आपको जो है रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। जब इसकी जो रूट बॉर्न हो जाती है तो आप इसको जो है बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। इनको जो है देखिए, इस प्लांट को जो है हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जाता है और एक छोटा सा प्लांट बना के रखा जाता है, तो काफ़ी सुंदर देखने में ये प्लांट लगते हैं। अगर आपके आसपास ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अगर ये प्लांट्स हैं तो आप जो है इनकी कटिंग बड़ी ईजी से लेके जो है इनकी कलेक्शन आप जो है अपने गार्डन में इकट्ठा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।